sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to. ये अजी कैफे, लेकिन ये भी बंद है। असल में अभी समर इनटेक है और प्रॉपर यूनिवर्सिटी जो है वो फंक्शनल नहीं है, तो वरना तो यहाँ पे बहुत रश होता है। अभी ये जिस बंदे की पिक्चर आ रही थी, ज़िशान शाहकार, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तानी है और इसका जो फादर था वो पाकिस्तान से था, लेकिन इसकी मदर जो थी वो नॉर्वे से थी, और ये यहाँ पे इसकी अपब्रिंगिंग हुई, उनकी आपस में डाइवोर्स हो गई, तो इसने जो जो चैलेंजेस आते हैं वो सारे उसने मेंशन किए हैं अपनी वीडियो, अपनी बुक के अंदर। सॉरी, इसने ये ऑथर है बेसिकली, और इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है यहाँ पे। ये आप देख रहे होंगे कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक पाकिस्तानी बंदे की तस्वीरें चल रही हैं, ज़िशान शाहकार, क्यों चल रही हैं? सिर्फ इसलिए कि उसने जो है एक नॉर्वेजियन बुक लिखी है, दो बुक्स लिखी हैं, और उसमें उसने चैलेंजेस के बारे में बताया कि यहाँ पे जो दूसरे कल्चर से लोग आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के आते हैं, उन्हें क्या क्या मसाइल आते हैं यहाँ पे अपब्रिंगिंग में, रिलीजियस, कल्चरल, सारे क्या क्या ऐसे उनको डिफरेंसेस फील होते हैं, तो ये उस पर बारे में उसने बुक्स लिखी हैं। और यहाँ पे क्योंकि एक लेग पुलिंग का कल्चर है नहीं, अप्रिसिएशन का कल्चर है, तो उसने दो किताबें लिखी हैं, वो आज यूनिवर्सिटियों में छा गए। इसी तरह यहाँ पे एक आबिदा राजा हैं, वो भी, उसकी भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल एक यहाँ पे पर्सनैलिटी है, वो भी पाकिस्तानी फैमिली से, गुजरात से आई गेस, उसके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो देसी पाकिस्तानी जो पेरेंट्स हैं वो हैं, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो बताने का सीन ये था कि इसी तरह ही है यहाँ पे, इन कंट्रीज़ में आके जो लोग क्यों रहना पसंद करते हैं कि उनको बहुत जल्दी जो है वो अपनी एक आइडेंटिटी, एक अप्रिसिएशन, वो सारी चीज़ें जो हैं, एक रिकग्निशन जो है वो मिलती है। ये जी डोर्स लॉक्ड रहते हैं, हर बच्चे को इस तरह एक स्टूडेंट कार्ड मिलता है, वो आपने यहाँ पर लगाना है। उसके बाद ये लाइट येलो ही है, यहाँ पर आपने अपना पिन लगाना है, और ये ग्रीन हो गया, और ये दरवाजे खुल गए। ये जी इन्होंने जो साइंटिस्ट और जो यहाँ के एक बड़े लोग थे उनके मुजस्मे छोटे छोटे बनाए, ये मेरी क्लास है, और ये बाकी क्लासेस चल रही हैं। जी तो इस टाइम पहुंच चुका हूं मैं यरबाने टूर का, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और इसकी वजह से मुझे अम्ब्रेला कैरी करना पड़ा है। पाकिस्तान में तो ये सीन होता था कि अगर बारिश हो रही है तो हम स्किप कर सकते थे किसी भी इवेंट को कि यार चलो नहीं जाते, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ का सीन ये है कि यहाँ पर बारिश तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, तो आप कितनी इवेंट्स मिस करोगे। तो यहाँ पे ये कोई बहाना नहीं चलता कि जी आज बारिश हो रही है, मैं जॉब पे लेट आऊँगा या मैं किसी इवेंट पे ना जाऊँ। तो आज रिसेप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो, और हमारा रिसेप्शन है, ओपनिंग सेरेमनी है, तो वहाँ जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको वहाँ जाके क्या मनाजिर है। अभी यहाँ से मैंने जाना नेशनल थिएटर, और नेशनल थिएटर से वॉक करके साथ ही है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो का एक डिपार्टमेंट है, हॉल है बेसिकली ओला हॉल, उसे फैकल्टी ऑफ लॉ भी कहते हैं, तो उसके ऑडिटोरियम में। और मुझे पता ये चला कि वहाँ पे अभी किंग ने भी आना है आज, किंग हैरल्ड फाइव ने, जो अभी करंटली किंग है नॉर्वे के, उनकी भी स्पीच है वहाँ पे। वो पीछे बीमार थे काफ़ी, तो आई एम नॉट श्योर कि वो आएंगे कि नहीं, अभी मैंने सिर्फ रूमर सुना है, तो लेट्स सी क्या होता है।
तो ये है जी खूबसूरत यूनिवर्सिटी हॉल, ओला हॉल इसे बोलते हैं, यूनिवर्सिटी हॉल बोलते हैं। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो की बेसिकली प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये जी एम्बेसी की गाड़ियाँ आ गई हैं, 78 नॉर्वे की हैं। Summer School of 2023. Welcome to Norway, welcome to Oslo, welcome to the University of Oslo, and welcome to the University Outlook. And then we spent like the whole day together.